आप बताना जरूर कि आपको कैसी लगती है वो बीड़ी, जब छोटी छोटी लड़कियां मुंह में बीड़ी दबा के बैठती हैं तो अच्छी नहीं लगती। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम कहाँ पर, मनुश्री ब्लॉग्स पर। बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये है लास्ट गुंजिया इस सीजन की। अब अगली होली पर मिलते हैं गुंजियों के साथ में। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। आप सब भी खा लीजिएगा। और ये शिखा भाभी ने भिजवाया है मट्ठा, जो कि हंडिया में पकाया हुआ दूध होता है ना, उससे जो लाल वाला मट्ठा बनता है वो बहुत ही टेस्टी होता है। उसमें मैंने थोड़ी सी पहले बूंदिया भी डाली। बेच रहे हो आप बेटा गोलगप्पे? बेच रहे हो? मनुश्री अगर हमें बादाम चाहिए तो हम कैसे मांगेंगे? कच्चा बादाम, पक्का बादाम, दोनों बादाम ऐसे मांगेंगे हम। और अगर हमें पानी मांगना होगा तो कैसे मांगेंगे? अब बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों समझ में आ जाएंगे। पानी इसलिए पानी मांगेंगे तो ऐसे, और कच्चा बादाम ऐसे। कच्चा बादाम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कच्चा बादाम खा लो। लो लो लो। कच्चा बादाम खा लो। तीन ही बचे हैं, लो खा लो। तीन ही बचे हैं, सबने खा लिया। मनुष्य उठी है लेट, मनुष्य उठी है 10 बजे और उसने अब खाया है कच्चा बादाम। और अभी दूध नहीं पिया है, अब दूध पीने वाली है। और मनुष्य कैसी कैपरी लग रही है जरूर बताना। मनुष्य ने नई चप्पल और नई कैपरी पहनी हुई है। लेकिन नई टी शर्ट भी नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत नहीं है जी। हाँ ये सब तो परसों जी, बिल्कुल न्यू पहना हुआ है। और मनुष्य बहुत सुंदर लग रही है। गुड मॉर्निंग बोलो जरा सबको। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम कहाँ पर, मनुश्री ब्लॉग्स पर। बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जो शिखा भाभी ने भिजवाया है मट्ठा, उसमें कुछ में मैंने बूंदियाँ डाली हैं, वो लाल वाला मट्ठा। और इसकी कढ़ी भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं कढ़ी भी बनाने वाली हूँ इसमें, जिसके लिए मैंने प्याज और अदरक और हींग और मेथी का तड़का लगता है इसमें। विशेष मेथी जरूर डलती है और लाल लाल लंबी मिर्च डलती है सूखी वाली। और मेरे पास जो तेल है ना, ये सरसों वाला, इसमें झाग आ जाते हैं, पता नहीं क्या कारण है। और ये जो मैंने मसाले हैं ना, इसमें थोड़ा सा मट्ठा डालने के बाद उसका पेस्ट बना लिया है, और उसमें और ज़्यादा पानी डालने के बाद उसके बाद मैंने इसमें छौंका लगा दिया है। लेकिन जो तेल है ना सरसों वाला, प्लीज़ फ्रेंड किसी को भी पता हो तो प्लीज़ बताना, ये बिल्कुल शुद्ध तेल है। मतलब सरसों खरीद के और उसका तेल बनवाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा आ रहा है, ये पता नहीं क्यों झाग झाग से आ जाते हैं ऊपर। और कढ़ी मेरी बन करके हो चुकी है तैयार। आप सब भी आ जाइएगा, किस किस को पसंद है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और मुझे लाल वाले मट्ठे की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, दही वाली भी अच्छी लगती है, लेकिन दही वाली उतनी स्वाद नहीं होती है जितनी ये होती है। हेलो गाइस, अभी हम खेलने वाले हैं लूडो। और आपको मनुष्य की शिकायत है कि पहले आप लाइव करती थी तब मुझे टाइम नहीं मिलता था आपके साथ खेलने का, बात करने का, है ना। अब मम्मी सबको कमेंट के आंसर दे रही थी। मैं कमेंट के आंसर कर रही थी ना वीडियो के, तो मनुष्य को खेलने का मन है लूडो और मनुष्य लेके बैठी हुई है लूडो। अब देखते हैं कौन जीतता। साथ खेलना, कंप्यूटर हमेशा हारता है, जबरदस्ती हारता है। कंप्यूटर के साथ कोई भी खेलता है ना तो वो कंप्यूटर उसको जिता देता है पुश करने के लिए, लूडो में। हाँ उसको जिता देता है। तो मैंने अभी अभी नहाई हूँ, मैं बाल धुले हैं मैंने और लपेटा हुआ है तौलिया, लेकिन उसके बावजूद भी जल्दी से खेलो मम्मा। मैं पहले कंघा कर लूँ फिर खेले, ठीक है? उनको भी तो, उनके साथ भी तो देख खेलना है ना हमें। आप सब बताइए कौन जीतेगा हम में से, तब तक आप बताना हम में से कौन जीतने वाला है, ठीक है? आपके बाल भी सूख जाएंगे। और मनुश्री बहुत लेट उठी है, जैसा कि आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं। आप देखो जरा कैसे झाड़ से बाल कर रखे हैं इसका, ये नहाई नहीं है अभी, अब नहाने के लिए बोल रही हूँ। तो पहले लूडो खेल लो, आप मेरे साथ लूडो नहीं खेलती हो तो हम पहले लूडो खेल लेते हैं। मिलते हैं आपके साथ लूडो के गेम के साथ। हेलो गाइस, अभी मैं मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी मैं वीडियो बनाऊं, तो मम्मी ने मतलब कुछ नहीं हुआ, मम्मी ने बोला ठीक है बना, तो मैंने बोला कि मैं चैनल की पीयूष हूँ। मैंने देखो मेरी खुल भी गई है, मेरी ब्लू है, खुल भी गई है मेरी, वाह। और मम्मी अभी तक कंघा कर रही है गेम में। मैंने मेरी कौन सी है? आपकी ग्रीन है, चलो बड़ा लंबा चलने वाला है।
और मनु विनर बन चुकी है, मनु जीत चुकी है। पटाखे फूट रहे हैं, मनुश्री जीत चुकी है लूडो में। देखो देखो मेरी ब्लू थी वन वन, अगर विश्वास ना हो रहा ब्लू वन। विश्वास तो हो गई, क्यों नहीं होगा। वीडियो शुरू की जाए या वीडियो एंड की जाए, मेरी डोरबेल हमेशा बजती रहती है। आर्यन आ गया है स्कूल से, मनुश्री गई है गेट खोलने के लिए। आर्यन ही है ना, मनुश्री के साथ हो गई बहुत सारी मौज मस्ती, हो गई है खेल, हो गया है गेम, हो गया है लूडो में वो जीत गई है। और मैं छोटी सी बात करके अपना वीडियो एंड करती हूँ। और बात क्या करनी है मुझे? आर्यन आ गया है स्कूल से, डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, जैसे कि मूड बनाते हैं हम, हाँ कुछ बात करनी है तो मन में बहुत सारी चीजें आती हैं, ये कहना है वो कहना है, वो बीच में ब्रेक लग जाता है अगर कोई आ जाता है तो, या कोई जाने वाला होता है तो। वीडियो कट करके दोबारा शूट की जाती है। मनुश्री नहा ले बेटे, मनुश्री की ना जुकाम हो रहा है, नोजी आ रही है। आर्यन आ गया स्कूल से, मनुश्री की नोजी आ रही है बहुत तेज, जुकाम हो रहा है, जाओ अब नहा लो बेटा मेरा। देर से उठी है और ऐसी पलीत सी घूम रही है बस, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, पहले तो एक बहुत बड़ी पॉपुलर थी, मिली थी उसको पुष्पा, पुष्पा फिल्म को मिली थी ना, सबके सब टेढ़े हो के चलने लगे थे, हम भी चले थे, हंसी मजाक में लिया था हमने भी, आपने भी लिया होगा जरूर, सबने बनाई थी वो वीडियो, जो जिस भी प्लेटफॉर्म पे है सोशल मीडिया के वो उसी पे बना रहा था, तो हमने भी बनाई थी बहुत सारी वीडियो बनाई थी, तो कोई बात नहीं उसकी तो। लेकिन आजकल जो वो चल रहा है ना क्रेज चल रहा है, जमीन पे बैठी तो बहुत अच्छी लग रही है, आदत डाल ले ये। और बाप का नाम देवानंद, माँ का नाम काफी नहीं है भाई, कौन सी दिशा में जा रही है ये हमारी जनरेशन, आखिर सोच के क्या रखा हुआ है, किसकी नकल कर रहे हो, कुछ अकल की जरूरत है, ट्रेंड कर रहे हैं, अकल व्यूज चाहिए, व्यूज चाहिए उनको, ट्रेंड चाहिए, अकल लगा उनको, व्यूज चाहिए, ट्रेंड चाहिए उनको, ट्रेंड चाहिए, ट्रेंड के लिए। बात सही है, ट्रेंड चाहिए, मैं मानती हूँ इस बात को, ट्रेंड चाहिए, लेकिन नकल भी तो ऐसी करो जो तुम्हें शूट करता हो। वैसे तो भाई मेरा भी चैनल है, मेरी जो मर्जी करती है, मैं भी अपनी तरह वीडियो बनाती हूँ कि मुझे ये पसंद है, मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ, तो चलो ठीक है अगर कोई बना भी रहा है तो। लेकिन जब छोटी छोटी बच्चियों को देखा ना मैंने मुंह में बीड़ी दबा के बोलते हुए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि दुख हुआ इस बात का, मतलब मैं दुख भी नहीं कह सकती उस चीज़ को, एक अजीब सी फीलिंग आती है ना देख के कि इन बच्चों का क्या होगा ये सोच के। तो बस इतनी सी मेरी छोटी सी ये है रिक्वेस्ट है कि बड़े कर रहे हैं करें, चलो ठीक है, अच्छा तो बड़ों पे भी नहीं लग रही, वो किसकी नकल कर रही हैं पहले तो ये सोच लें, तो वो अच्छी बात है नहीं। हंसी मजाक की चीज़ें नकल करो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कोई किसी को मैसेज देने की अगर नकल की जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन के माँ का नाम काफ़ी नहीं है, बाप का नाम देवानंद, तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। आप में से किस किस को लग रहा है कमेंट करके बताना, और बच्चों से बिल्कुल ना कराइए, कुछ व्यूज़ के लिए इतने हद तक ना गिरें, बाकी आपकी इच्छा है, आपका चैनल है, जो मर्जी आप बना सकते हैं, मेरा चैनल है, मेरी भी बहुत सारी वीडियो, किसी को लगती होंगी कि क्या वीडियो बना रही है, लेकिन मैं भी मुझे जो ठीक लगता है मैं भी बना लेती हूँ वही वीडियो, लेकिन ये है कि मैसेज देने वाली होनी चाहिए जो भी हमारी वीडियो हो, कुछ तो मैसेज जाए, या तो कोई हंसे उसे, आपकी वीडियो देख के कोई हंस रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, हंसाने का काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा मैसेज जरूर जाना चाहिए हाँ पब्लिक के लिए कि ये मैसेज जा रहा है, उससे कोई मैसेज नहीं जा रहा, मुझे तो बहुत दुख हुआ इस बात का। चलो कोई नहीं, अपनी अपनी पसंद है, कुछ पिक्चरें ऐसी आ जाती हैं कि उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, जैसे द कश्मीर फाइल्स है, उससे बहुत बहुत ज़्यादा तूल दिया जा रहा है, इतनी कुछ अच्छी एक्टिंग नहीं है उसमें, ऐसे मैं कुछ मैं इतनी बड़ी एक्टिंग वाइज नहीं हूँ कि मुझे इतनी एक्टिंग अच्छी आती है, लेकिन इतना तो जानती हूँ कि सामने वाला कैसी एक्टिंग कर रहा है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस चला दी पिक्चर तो अच्छी बात है, चल रही है तो हमने भी देखी है, सब देख रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में देख ही रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ खास बात है नहीं है उसके अंदर, इससे भी बहुत बुरे बुरे चीज़ें होती हैं जीवन में, होती हैं बहुतों के जीवन में, उतार चढ़ाव आते हैं बहुत, कोरोना काल में कितने उतार चढ़ाव आए हैं, उसके ऊपर बनाओ ना पिक्चर कितनी अच्छी लगेगी, वो तो एक मुद्दा दूसरा भटका रहा है हमें, और कुछ को अच्छा भी लग रहा है, मुझे भी ठीक लगा कि ऐसी चीज़ें सामने आनी चाहिए, सिर्फ कहना चाहिए कि नंगापन ना दिखाएं, सिर्फ यह है कि मनोरंजन ही ना दिखाएं, ऐसी चीज़ें भी दिखाएं, इतिहास के कुछ पन्ने खंगाले जाएं, वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए, मैं सोच रही हूँ, मुझे छोटी छोटी वीडियो डालना ही अच्छा लग रहा है, और मैं छोटी छोटी वीडियो ही डाल रही हूँ आप सबके लिए कि आप सब बोर ना हो, छोटा सा तड़का जरूर लगना चाहिए, हंसी मजाक का लगना चाहिए,
और अपनी बात कहने का हक सबको है। मुझे भी ऐसा लगा कि मैं आपसे बात कहूँ तो मैंने भी कही है, किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी उसके लिए। लेकिन आप सब महसूस करें कि हम बच्चों से जो नकल करवा रहे हैं, जिस चीज़ की करवा रहे हैं या बच्चे कर रहे हैं, तो हम उन्हें रोकना भी चाहिए, है ना। मेरा मानना तो यह है कि उन्हें रोकना भी चाहिए, और करवा रहे हैं तो प्लीज़ ना करवाएं उनसे, ये नकल ना करवाएं। उन्हें बताएं कि ये ठीक नहीं है इस तरह से, उसकी वही है नकल को अकल की ज़रूरत होती है। तो कम से कम इतनी अकल थोड़ी सी लगा लें कि हम किसकी नकल कर रहे हैं, है ना। ज़मीन पे बैठी बड़ी अच्छी लग रही है तू, और बहुत ही मतलब अच्छे शब्द नहीं है, वो अच्छे शब्द नहीं है। बहुत कुछ है बनाने के लिए, वीडियो में तो बहुत कुछ है, कुछ भी बना सकते हैं। मेरी तो पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं शॉर्ट वीडियो जब भी बनाऊँ तो हंसी मजाक की बनाऊँ तो अच्छी लगती है, या फिर कोई मैसेज देने वाली होनी चाहिए। आज ही बनाई है मम्मी ने हंसी मजाक, बाकी वो सबने देख ली है, तो बाकी अब सबकी अपनी इच्छा है। चलो इस मैटर को इतना सीरियस नहीं लेते, मुझे सीरियस बातें नहीं करनी है। सीरियस बातें भी करनी होती हैं तो अलग बात है, लेकिन वो वीडियो दूसरा होना चाहिए सीरियस बातों का। मुझे कुछ लगा कि ऐसा बोलूं मैं, तो मैंने बोला है। अगर किसी को भी कष्ट हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, अच्छी सी वीडियो के साथ में। और आप बताना जरूर कि आपको कैसी लगती है वो वीडियो, जब छोटी छोटी लड़कियां मुंह में बीड़ी दबा के बैठती हैं तो अच्छी नहीं लगती ना। जी हाँ, श्रीवल्ली का तो बहुत अच्छा था, श्रीवल्ली का था वो पैर घसीटने वाला जो था, तेरी झलक की शर्फी, है ना, सबने गाया था, वो अच्छा भी लगा था। ऐसी हंसी मजाक की कॉपी करनी चाहिए, लेकिन इन बातों की कॉपी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी सच्चाइयाँ सबके पीछे छुपी हुई हैं, सारा सच थोड़ी ना दिखाते हैं फिल्मों में। ओके, बाय बाय, जय हिंद।